जी अस्सलाम वालेकुम। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ जॉब्स जो हैं वो अनाउंस होने वाली हैं थ्रू पीपीएससी, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, ऑफिसर्स की जॉब्स जो अनाउंस होने वाली हैं। ये मेरी एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने फेसबुक के ऊपर की थी 9 फरवरी 2020 को, और तकरीबन एक साल हो चुका है, मार्च का मंथ चल रहा है। तो इसमें मैंने पोस्ट किया था कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ अनाउंस्ड 34 सीट्स ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स और मेडिकल सोशल ऑफिसर्स BA 17 यानी कि ग्रेड 17 की 34 सीट्स अनाउंस हुई थी, गो एंड अप्लाई। और ये PPSC वेबसाइट PPSC.gov.pk। तो ये जो 9 फरवरी 2020 को ये मैंने अनाउंसमेंट की थी ऑन द बेसिस ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट जो कि PPSC की वेबसाइट पर आई थी, तो उसके बाद COVID-19 का एक दौर शुरू हुआ और बहुत सवेर किस्म का COVID-19 जो था वो हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया। उसमें लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ों में डिले हुआ, बहुत सारी चीज़ें पोस्टपोन हो गई, इसी तरह से पेपर्स भी आगे चलते गए, और फिर लेकिन एट लास्ट जो थे वो पेपर हुए, और पेपर होने के बाद इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू होने के बाद जो 34 लोग जो थे वो सिलेक्ट हुए सोशल वेलफेयर में, और आजकल उनकी जॉइनिंग का सारा प्रोसेस चल रहा है। उनको ऑफर लेटर्स दिए गए हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से और वो ज्वाइन कर रहे हैं बस कुछ ही दिनों में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को। तो उसके बाद जनाब अभी पूरा साल एक गुजरने के बाद दोबारा से सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स या मेडिकल सोशल ऑफिसर्स या डेप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की 52 सीट्स जो हैं वो अनाउंस होने वाली हैं। और ये देखें, ये 52 सीट्स सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट, और ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर, मेडिकल सोशल ऑफिसर एंड डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो ये अपकमिंग जॉब सेक्शन जो है उसमें ये लिखी गई हैं, और काफ़ी ऊपर होने की वजह से ये अभी तीसरे नंबर पर शो हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शायद अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते ये अनाउंस हो जाए PPSC की वेबसाइट पर। लेकिन ये एक मसले वाली बात नहीं है, कब भी अनाउंस हो ये आपके लिए मसला नहीं है। आप ये है कि आप तैयारी शुरू करें एज सून एज पॉसिबल। तो साथ ही साथ मैं भी बताता चलूँ कि क्योंकि मैं भी एज ए मेडिकल सोशल ऑफिसर काम कर रहा हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, और 2017 में मैंने ये जो PPSC है वो पास किया, और पंजाब में मेरी चौथी पोजीशन थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि अगर मैं आने वाले जूनियर्स को गाइड कर सकूँ और वो भी मेरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। तो आगे हम अब बात करेंगे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में थोड़ा इसके बारे में कि क्या है ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये उनकी वेबसाइट ज़रूर नोट कर लें, swd.punjab.gov.pk। सो दिस इज़ अ प्रोवेंशियल डिपार्टमेंट और सूबाई इदारा है ये। इसमें हम वोमेन वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारा दारुल अमान है, कशाना है, और बहुत सारे हमारे जो जेल प्रोजेक्ट है, तो ख्वातीन की काफ़ी ज़्यादा मदद की जाती है। मुख्तलिफ हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं जो कि सोशल वेलफेयर के अंडर काम करते हैं, और वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए जो है वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जी चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज हैं हमारे पास, मॉडल चिल्ड्रन होम्स हैं मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग, और भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं दोज आर वर्किंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर जी। इसके अलावा हमारे पास वेलफेयर सर्विसेज हैं फॉर पर्सन्स विद डिफरेंट अबिलिटीज़ के साथ जो लोग हैं, जैसे ब्लाइंड हैं और हैंडीकैप्स हैं, डम एंड डेफ हैं, तो उनके लिए हमारे पास मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी वेलफेयर के लिए। हम उनको सबसे पहले तो जो उनको सर्टिफिकेट जारी होता है
डिसेबिलिटी का, वो भी हमारे डिपार्टमेंट से ही जारी होता है। उनकी डिसेबिलिटी के लिए एक बोर्ड बैठता है और उस बोर्ड के बाद डिसाइड होता है कि वो डिसेबल हैं या नहीं है, और उसके बाद वो जो सर्टिफिकेट उनको मिलता है उसके बेसिस पे उनको जॉब्स मिलती हैं, और उनका जो नेशनल आईडी कार्ड है, जो CNIC है, कंप्यूटर आईडी कार्ड, उसके ऊपर भी उनका जो डिसेबिलिटी है वो लिखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट जो हमारा डिपार्टमेंट जारी करता है। ओके जी, उसके बाद एल्डरली वेलफेयर सर्विसेज भी हमारे पास हैं, जैसे हमारा नौरवाल में हमारा इदारा है आफियत, जो हमारा ओल्ड एज होम है, वहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे वो रहाइश पज़ीर हैं, वहाँ पे रहते हैं, खाना, रहाइश, मेडिकल सर्विसेज, लेयर सर्विसेज, हम सब उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा बैकर्स रिहैबिलिटेशन के ऊपर भी हम काम करते हैं, और वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज फॉर ड्रग एडिक्ट्स, हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं जो ड्रग एडिक्ट्स जो हैं उनके लिए काम करते हैं इन ऑल पंजाब। और मेडिकल सोशल सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैं जो हूँ वो एक मेडिकल सोशल सर्विसेज का इंचार्ज हूँ, एक तहसील लेवल का प्रोजेक्ट है उसका मैं इंचार्ज हूँ, तो ये हमारे ज़िले में भी होते हैं और तहसील में भी होते हैं मेडिकल सोशल सर्विसेज यूनिट्स। ओके, और PWP सेंटर्स भी, सिलाई कढ़ाई के लिए औरतों के लिए ये सेंटर्स भी हैं हमारे डिपार्टमेंट में, जिसमें कसरे बहबूद है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम है, और PWP सेंटर्स जो हैं वो रूरल एरियाज में काम करते हैं, और उनका काम यही है औरतों को एम्पावर करना और सिलाई कढ़ाई और इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो सिखाना। ओके, ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, दैट वाज अबाउट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और इसका पूरा नाम हमारे डिपार्टमेंट का है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिलेबस ऑफ रिटन एग्ज़ाम, जो हमारा PPSC का रिटन एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जो हम बात करेंगे वो, अब देखिए 2017 में मैंने टेस्ट पास किया था, तो उस टाइम पे 80% जो था वो सब्जेक्ट बेस्ड एग्ज़ाम था, और 20% जो था वो जर्नल एग्ज़ाम था, GK था, जनरल नॉलेज का। लेकिन हम करेंगे बात जो कि लास्ट टाइम हुआ 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ, हम उसकी बेसिस पे बात करेंगे, क्योंकि 2017 वाला थोड़ा पुराना हो जाएगा, इसलिए हम जो लेटेस्ट है, जो 2020 में जो जिस किस्म का एग्ज़ाम हुआ, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये 100 नंबर का MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, 1 पेपर होगा जिसमें 100 MCQs होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक गलत MCQ अटैम्प्ट कर देते हैं और वो आपका गलत है, तो आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, टोटल में से आपके 0.25 काट लिए जाएंगे। और मिसाल के तौर पर अगर आपके 4 गलत हैं तो आपके टोटल 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। इसलिए ब्लाइंड गैस करने से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए, पेपर में बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पे कम से कम आप 50% श्योर हैं, जहाँ पे आपको 4 में से 2 में से डाउट है, चलो उसमें आप 50% का मार्जिन लेके अगर आप 1 लगा भी दें तो चले शायद बचत हो जाए, लेकिन बिल्कुल 4 में से कोई नहीं आता, 4 जो MCQs हैं उनमें से कोई नहीं आता जो आंसर्स हैं, तो तब आप अगर ब्लाइंड गैस करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए और नेगेटिव मार्किंग आपके लिए हो सकती है। अच्छा जी, तो जो अभी 2020 में लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था उसमें 50% जनरल नॉलेज था, यानी GK था, और 50% सब्जेक्ट बेस्ड था। देखिए, हम जो लास्ट में 2020 में जो हुआ हम उसी की बेस पे बात कर रहे हैं। अब अगर 2021 में वो कोई पैटर्न चेंज करते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट में वो जो भी पैटर्न आएगा मैं उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी तक का जो है वो यही सिलेबस था, इसलिए आप इसकी बेसिस पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। आप देखते हैं कि जीके में क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। जीके में इस्लामियात में छोटी मोटी चीज़ें, गज़वात के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे डेट्स पूछी जा सकती हैं, फलां गज़वा जो कब हुआ, गज़वा बदर में कितने लोग थे, कितने सहाबा अकराम जो थे वो शहीद हुए, टोटल कफार के कितने लोग थे, और
मुख्तलिफ़ जो इस्लाम की जो बेसिक तालीमात हैं, हिस्ट्री है, ज़्यादातर जो हिस्ट्री है उसके बारे में छोटे छोटे सवाल MCQs पूछे जा सकते हैं। उर्दू के बारे में पूछा जा सकता है कि फ़लाँ जो तसनीफ़ात हैं वो किन की हैं, फ़लाँ जो किताब है उसका मुसन्निफ़ कौन है, इस तरह से। या कोई शेर दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है ये शेर जो है वो किस शायर का है। इंग्लिश में एक्टिव वाइस पैसिव वाइस पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि इनमें से ये जो हमने एक जुमला दिया है, सेंटेंस दिया है, इन चार ऑप्शंस में इसका जो करेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है वो कौन सा है। और इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन का पूछा जा सकता है आपसे, और उसके अलावा टेंसेस का पूछा जा सकता है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है, सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं आपसे, और एंटोनिम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का आपसे पूछा जा सकता है, वर्ड, एक्सेल, ऑफिस जो है वो सारा उसके बारे में पूछा जा सकता है। बेसिक जो कंप्यूटर साइंस है उसी के बारे में पूछेंगे। डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, जावा है जैसे, CSS है, और मुख्तलिफ लैंग्वेज, C++ है। उसके अलावा फॉन्ट साइज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि बेसिक फॉन्ट साइज़ कौन सा हो सकता है वर्ड में, और मुख्तलिफ फार्मूलाज के बारे में पूछा जा सकता है जो कि होते हैं हमारे एक्सेल में, और बड़ा ही बेसिक इसमें पूछते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, और बायोस किस चीज़ का मुखफ़ है, ये सारी चीज़ें इसमें हम पूछ सकते हैं, पूछी जा सकती हैं हमसे। ओके, जनरल साइंस है, जनरल साइंस में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बॉटनी, जूलॉजी, और जनरल साइंस में जो सारी चीज़ें आती हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इवन कि मेडिकल साइंस के बारे में भी इसमें आपसे पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक टेस्ट था, उसमें ये पूछा गया था कि जब आदमी रात को सो रहा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है या कम होता है, तो जनरल साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ओके, मैथ्स में जो है वो बड़े सिंपल क्वेश्चन, अगर एक मज़दूर में इतना काम इतने दिनों में किया तो पाँच मज़दूर इतने दिनों में ये काम कितने दिनों में करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े बेसिक से मल्टीपल क्वेश्चंस जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन के और सब्ट्रैक्शन के वो पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सीरीज़ के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये सीरीज़ चल रही है आगे जो है वो कौन सा फिगर आएगा, इस तरह से। पाक स्टडीज़ एंड हिस्ट्री तो डोमिनेटिंग होती है इसमें, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इंडो पाक हिस्ट्री से रिलेटेड, ज़्यादातर इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड, और पाक स्टडीज़ हमारी पाकिस्तान की जो सारी चीज़ें हैं उसके रिलेटेड। और जियोग्राफी, इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी भी पूछी जा सकती है, और हमारी जो है पाकिस्तान की जियोग्राफी उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, कौन कौन सा दरिया जो है वो कितना लंबा है, रावी की कितनी लंबाई है, कितने उसका वाटर फ्लो जो है वो कितना है, और सतह पोटोहार जो है वो कहाँ पे है, और ये पोटोहार में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, ये सारा कुछ पूछा जा सकता है। वर्ल्ड जियोग्राफी में मेडिट्रेनियन सी कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं जियोग्राफी में जी। और ये हमने 50% जो हमारे 50 MCQs हैं उसके बारे में हमने बात की है। अब देखिए इतने ज़्यादा पोर्शंस हैं तो क्या पता तीन तीन चार चार वो सब पोर्शन से ले लें। ओके, तो जो हमारा सब्जेक्ट बेस्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सब्जेक्ट बेस्ड में हमसे पूछेंगे सोशियोलॉजी से रिलेटेड MCQs, उसकी बेसिक, कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, सोशलाइजेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, और जो बेसिक हमारे थियरिस्ट्स हैं सोशियोलॉजी में ऑगस्ट कॉम्ट हैं, मैक्स वेबर हैं, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स देखे पूछेंगे कि ये स्टेटमेंट किसने दी है। और सोशल वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं, सोशल वर्क की डिफरेंट थीरीज, ग्रुप वर्क मेथड, सोशल केस वर्क मेथड एट्सेट्रा, मुख्तलिफ उनकी जो तसनीफ़ात हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, ये बुक किसने लिखी थी, ये ग्रुप वर्क मेथड जो था वो किसने दिया था, पाकिस्तान में सोशल वर्क का पूछ सकते हैं,
मेजर एनजीओस के बारे में पूछ सकते हैं। सबसे पहली पाकिस्तान में एनजीओ कौन सी थी, बेगम राना लियाकत का हर दफ़ा पूछा जा सकता है, हर दफ़ा पूछा जाता है, वो पूछा जा सकता है वो कौन थी, उनका एनजीओ सेक्टर में क्या रोल था। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान की आबादी, ये वो, थोड़ी सी डेमोग्राफी पूछ सकते हैं क्योंकि ये सारे रिलेटेड हैं सोशल वर्क से। ओके, जेंडर स्टडीज़ का पूछ सकते हैं आपसे, जेंडर स्टडीज से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं और एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, ये हमारा सब्जेक्ट बेस्ड है। तो ये हमारा पेपर पैटर्न था और मैं आपको फिर से बताता चलूँगा, ये जो हमारा लास्ट टाइम पे 2020 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ ये उससे रिलेटेड था। अभी अगर एडवर्टाइजमेंट जो आने वाली है उसमें अगर चेंजेस कर दें तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या पता पूरा का पूरा जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड कर दें, और क्या पता पूरा का पूरा जो है वो जनरल नॉलेज बेस्ड कर दें, जीके बेस्ड कर दें, तो क्या पता फिर रेशो चेंज कर दें, 20% जीके कर दें, 80% सब्जेक्ट बेस्ड कर दें। तो वो जो भी तब्दीली होगी वो तो जब होगी उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा, आप ख़ुद भी PPSC की वेबसाइट पे उसको देख सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये है कि टाइम ना ज़ाया किया जाए और तैयारी स्टार्ट कर दी जाए। तो ये जो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं मेरे चैनल पे 18 लेक्चर्स हैं सोशियोलॉजी के, जियोग्राफी के भी लेक्चर्स हैं, सीरीज़ है, इंग्लिश के भी कुछ लेक्चर्स हैं MCQs के, उन सबको आप देखें, स्टडी करें। उसके अलावा जो बुक्स हैं उससे उनको भी कंसल्ट करें, सोशियोलॉजी और ये सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी की MCQs की बुक्स फाइंड करें, आपको daraz.pk पे भी मिल जाएंगी, उर्दू बाज़ार लाहौर से भी आप विज़िट करके ले सकते हैं। और जो PPSC मॉडल पेपर्स बाय इम्तियाज़ शाहद है एक बुक बड़ी ज़बरदस्त, उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं जनरल GK की तैयारी के लिए। तो आप अपनी तैयारी स्ट्रांग रखें, जब भी अनाउंस होंगी तो आप अपीयर हों और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।